हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इस सीलिंग फैन को सीट टेस्ट लैम्प बोर्ड से चेक करते हैं। देखिए, ये सीट टेस्ट लैम्प बोर्ड है, इसे हम चेक करते हैं। देखिए, इसमें सीरीज का लाइन दे रहे हैं। देखिए, ये फैन घूमता नहीं है, ये घन घन का आवाज इसमें करता है। देखिए, फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये घूम नहीं रहा है, इसमें सीरीज लाइन मैंने दिया, सिर्फ इसमें घन घन का आवाज़ ही आता है। अब इसे चेक करना होगा कि इसमें क्या खराबी है। अब इस पंखे का सारा कनेक्शन खोलेंगे। इसके लिए इस कवर को सबसे पहले ऊपर उठा लेते हैं और इसका सारा कनेक्शन खोल देंगे और कैपेसिटर को भी बाहर निकाल देंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पंखा नहीं घूम रहा है तो कैपेसिटर शायद ख़राब होगा, तो वो अपना कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पंखा नहीं घूमता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या खराबी है। तो मैं बताऊंगा आज कि इस तरह से अगर पंखा कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी ना चले और पंखा घन घन का आवाज़ करे तो इसमें क्या खराबी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इस सीरीज टेस्ट लैम्प बोर्ड को सीधा कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखेगा। देखिए, मैं इसे सीरीज लाइन से चेक करूंगा। ये सीरीज लाइन का बोर्ड है, देखिए, इसे मैं इस वायर को चेक करूंगा। देखिए, इसमें दो लाल वाला वायर है जो रनिंग कॉइल का वायर है, उसमें देखिए मैं सबसे पहले से टच करता हूँ। देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि बल्ब का फिलामेंट जल रहा है, इसका मतलब है कि रनिंग कॉइल बिल्कुल सही है। और ये देखिए, स्टार्टिंग कॉइल का वायर में जब मैं इसे टच करता हूँ तो ये पूरी तरह से जलने लगता है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग कॉइल बिल्कुल ही कहीं से कहीं शॉर्ट है। तो देखिए, रनिंग कॉइल बिल्कुल ओके है, यानी कि जब बल्ब हल्का जले या कम जले तो कॉइल बिल्कुल सही है, और अगर बल्ब पूरी तरह से जले तो इसका मतलब है कि कॉइल कहीं ना कहीं शॉर्ट है, तो यानी कि इसमें स्टार्टिंग कॉइल कहीं ना कहीं शॉर्ट है।